हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फैक्टस्टोम यूट्यूब चैनल पर। जब क्रिकेट की बात आती है तो कोई भी देश भारत को हरा नहीं सकता। यही वजह है कि आईपीएल भारत में एक त्यौहार की तरह है। दुनिया के सभी हिस्सों के लोग इस क्रिकेट महोत्सव का आनंद लेते हैं। आईपीएल से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। आईपीएल की घोषणा 2007 में और पहला आईपीएल सीजन 2008 में खेला गया था। आईपीएल का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच हुआ था, जिसमें कोलकाता ने जीत का स्वाद चखा। आईपीएल की पहली गेंद प्रवीण कुमार ने फेंकी, जिसका सामना सौरव गांगुली ने किया। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैचेस मुंबई इंडियंस ने जीते। आईपीएल में सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी मनीष पांडे थे। विराट कोहली के नाम एक सीजन में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 2016 के सीजन में 4 शतक लगाए थे। पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एकमात्र गेंद फेंकी और उस पर विकेट चटकाया। चेन्नई सुपर किंग्स एकमात्र ऐसी टीम है जिसने अब तक अपना कप्तान नहीं बदला। 2015 के एक मैच में जब अंपायर ने कीरन पोलार्ड को शांत रहने को कहा तो वे मुंह पर टेप लगाकर आ गए। 2013 आईपीएल सीजन में डेल स्टेन ने एक सीजन में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का रिकॉर्ड बनाया। उस सीजन उन्होंने 211 डॉट बॉल फेंकी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। कुंबले ही एकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें फाइनल में हारने के बावजूद मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। उन्हें यह खिताब 2009 में बैंगलोर बनाम डेक्कन चार्जर्स के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में मिला। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए और सबसे ज्यादा विकेट लसित मलिंगा ने चटकाए। आईपीएल में बेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड अल्जरी जोसेफ के नाम है। उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ मात्र 12 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। शेन वॉटसन, सुनील नारायण और आंद्रे रसल ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब 2 बार जीता। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक क्रिस गेल ने लगाया। उन्होंने यह कारनामा मात्र 30 गेंदों में कर दिखाया। यह थे इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स।